नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को संभावित है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। आदिवासी आरक्षण को लेकर आयोजित होगा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने बयान दिया, 1 और 2 दिसंबर को ये विशेष सत्र होगा। हम आरक्षण को कम नहीं होने देंगे, ये रविन्द्र चौबे ने कहा। जो जिसका हक है वो उनको दिलाकर रहेंगे। विशेष सत्र से एक मैसेज भी जाएगा, ये भी रविन्द्र चौबे कहते नजर आए। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में बीजेपी है और आरक्षण रद्द होने में सिर्फ बीजेपी दोषी है, ये रविन्द्र चौबे की तरफ से कहा गया। तो सत्र जो है वो 1 और 2 दिसंबर को संभावित है। आदिवासी आरक्षण को लेकर आयोजित होगा ये सत्र। तो संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे की तरफ से ये बयान दिए गए हैं और बीजेपी को दोषी ठहराते हुए कहा गया कि ये आरक्षण जो है आदिवासियों के लिए जो नुकसान हो रहे हैं वो दरअसल बीजेपी की वजह से हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये विशेष सत्र। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को फाइल मूव किए हैं, वो महामहिम के पास जाएगा और विशेष सत्र आहूत करने के लिए हमने आग्रह किया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र होगा, क्योंकि आरक्षण के बारे में पूरे प्रदेश में लोगों की डिमांड है और सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हम किसी भी प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो उसी के कारण 2 तारीख को शासकीय रूप से, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में आए चाहे विधेयक के रूप में आए, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसी के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि 1 और 2 दिसंबर को संभावित ये सत्र जो होगा आदिवासियों के लिए आरक्षण के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा, किस तरीके की जानकारियां आपके पास हैं इस सत्र से जुड़ी हुई? जी देखिए, ये सत्र पूरी तरह से एकदम आदिवासियों को ही समर्पित होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी और इससे पहले ट्वीट सत्र के लिए नहीं किया जाता था और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि सत्र बुलाया जाएगा, विशेष सत्र होगा, अध्यादेश लाया जाएगा। तो वो घड़ी अब करीब आ गई है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी पत्र लिखा था और ये साफ कहा था कि आप सत्र बुलाइए। अब फाइल, चूंकि राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ती है विशेष सत्र के लिए, संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सत्र की फाइल जो है राज्यपाल के पास चली गई और चूंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि आप सत्र को बुलाइए, तो वहां से अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद जब फाइल लौटेगी तो विशेष सत्र 2 दिन का, 1 और 2 की चर्चा की गई है, 2 दिन का सत्र होगा, चर्चा होगी। और ये कहा जाए, चूंकि 90 विधायक हैं जिसमें जोगी कांग्रेस के भी हैं, सपा जिसमें जोगी कांग्रेस भी है, जो उसके साथ बात की जाए तो बहुजन समाजवाद पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। अब चूंकि बहुत बड़ा मैंडेट सदन के अंदर कांग्रेस के पास है, तो ये माना जाए कि जो वो लाएंगे वो पास होना ही होना है, लेकिन किस तरह की चर्चा होती है, किस तरह के जो बिल है उसके ऊपर चर्चा होती है, क्योंकि देखिए उससे पहले जो कवायद है 40 दिन के आसपास का समय है, 3 जो आईएसी कमेटी बनाई गई है जो 3 राज्यों का दौरा कर रही है, वो वहां से रिपोर्ट लाके सबमिट करेगी, उस रिपोर्ट की चर्चा भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में की जाएगी, क्योंकि लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गलती है, अगर वो पहले ही कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। उधर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इन्होंने हाईकोर्ट में अपना पक्ष अच्छे से नहीं रखा, इसलिए नौबत आई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों तरफ से विरोधाभास है, तो ये जरूर हो सकता है कि जो पूरी परिस्थिति सदन में जब उपजेगी तो जोरदार हंगामा होगा, क्योंकि ये जो मामला है इस मामले को और ये हंगामा इसलिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए भी बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर मैं जरूरी बोलूंगा, क्योंकि दीपक अगले कुछ ही समय में यहाँ पर चुनाव होंगे और ये जो आदिवासियों का मुद्दा है ये चुनावों के अंदर भी जाएगा, चले ही भले ही वो संसद के यहाँ पर विधानसभा सत्र के अंदर हो या फिर वो सीधे तौर पर सड़क पर हो। जी बिल्कुल, देखिए पोर्ट्रेट तो यही किया जा रहा है ना, अगर 1 और 2 को सत्र आता है और वहां से पास हो जाता है तो 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव भानुप्रतापपुर की सीट पर, और जिस सीट पर चुनाव है वो साइबर की सीट है। तो आप ये समझिए कि अगर सरकार लेके आ जाती है अध्यादेश, सरकार पास कर लेती है, तो वहां पर जो ऊंट बैठेगा वो किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी बन रही है, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, उसके बाद
23 और 24 का जो दिन मुकर्रर किया गया उसमें पूरे सरगुजा संभाग में और पूरे बस्तर संभाग में, क्योंकि आदिवासियों की जो संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है वहां भी प्रदर्शन करने की तैयारी है। अब जब भारतीय जनता पार्टी लगातार घेराबंदी कर रही है, राजभवन का कूच कर रही है, तो ये समझा जा सकता है कि अगर अध्यादेश आ गया, अगर कानून पास हो गया, तब तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गेंद निकल गई। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस इधर भारतीय जनता पार्टी को कोस रही है, तो अब जब सत्र बुलाया जाएगा तो सत्र में किन पहलुओं को रखा जाएगा, किन चीजों पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि देखिए लगातार ये बात की जा रही है कि हेड काउंटिंग के आधार पर कर लीजिए, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर कर लीजिए, उसके बाद ये बात कहा जा रही है कि कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है उसके आधार पर कर लीजिए, तो तमाम मत है। इसीलिए जो 3 आईएएस की कमेटी बनाई गई है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और बात की जाए तमिलनाडु जो गई है, वो वहां जाने के बाद वहां पर किस तरह का आरक्षण लागू है, क्योंकि इसी में से कई जगह 58% भी है और कई जगह 65% भी है, तो वहां जाने के बाद वहां से पूरी जानकारी जुटाने के बाद वहां से वो वापस लौटेंगे, उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री सचिवालय को देंगे, और उसके बाद जब विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा तो वहां पर इन चीजों की चर्चा जरूर होगी। और देखिए महत्वपूर्ण बात ये कि जिन 3 राज्यों में जा रहे हैं इनमें एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है महाराष्ट्र, अब इन 3 में जब जाएंगे तो किस तरह की चीजें निकल के आती है, कितनी सहूलियत मिलती है, इन तमाम चीजों पर सहमति बनती है कि नहीं बनती, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। और आपने जिस चुनाव का जिक्र किया, अगले साल चुनाव है, अक्टूबर के आसपास कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो जो तमाम चीजें ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और छत्तीसगढ़ के भीतर 34 के आसपास आदिवासी सांसद, विधायक और राज्यसभा सांसद है, तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी संख्या है जी। उन बहुत बड़ी संख्या को किस तरीके से साधा जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आप विधायकों की चर्चा करेंगे तो 30 के आसपास सीटें हैं, 29 से 30 के आसपास सीटें, अब इन सीटों पर किस तरह का समीकरण बैठेगा, क्योंकि भारत ये समीकरण बैठाने के लिए जरूरी है कि सही मुद्दों को टच करते हुए कांग्रेस भी आगे बढ़े और बीजेपी भी आप सरकार को घेरने के लिए सही मुद्दों को चयन करें, ये बहुत जरूरी होगा। शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर ये अगर सत्र होता है तो इसमें काफी गूंज सुनाई देगी। फिलहाल